हेलो फ्रेंड्स, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सब का एक सवाल था। बहुत सारे भाई मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, जमीर भाई हम जो काम कर रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं बोले तो जो पहले काम कर रहे थे, स्टार्टर अल्टरनेटर का काम कर रहे थे, तो हम थोड़ा उसको छोड़ना कभी भी नहीं है। उसके अलावा थोड़ा टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हम भी सामने थोड़ा आए। हम उन भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो स्टार्टिंग से जो लो लेवल का जो काम कर रहे थे, हैं तो इलेक्ट्रिशियन, मगर जो दूसरे इलेक्ट्रिशियन जो काम करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग करना या स्कैन करना, ये जो काम करते हैं उनको देख के उनको भी एक आस रहती है कल के दिन हम भी ये काम करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है बोल के उनके लिए ये वीडियो है। बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है, आप कर सकते हैं। आप भी स्कैनर लगा के काम कर सकते हैं, आप भी गाड़ी के अंदर जो वायरिंग की दिक्कत आ रही है वो भी आप रिजोल्व कर सकते हैं। तो आपको कौन कौन से टूल आपके पास रहना चाहिए, ठीक है, आप स्टार्टिंग लेवल पर आप काम कर रहे हैं तो कोई भी आपको गाड़ी में दिक्कत आ रही है तो स्कैनिंग करने के लिए आपको एक अच्छा सा स्कैनर होना चाहिए। एक अच्छा सा स्कैनर होना चाहिए, ऐसा नहीं आप स्टार्टिंग पहले ही सेटअप में आप 1.5 लाख का स्कैनर ले लो, 2 लाख का स्कैनर ले लो, 1 लाख का स्कैनर ले लो, 50,000 का स्कैनर ले लो, ऐसा कभी भी नहीं करना है। क्योंकि आप छोटे से स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ब खुद माइंड में आएगा, हाँ मेरा काम अच्छा निकल रहा है, हम 4 पैसे कमा सकते हैं, तब जाके अच्छे अच्छे स्कैनर लो, जैसे कि अपना थिंकुल मास्टर हो गया, ऐसे अच्छे अच्छे स्कैनर लो। जो स्टार्टिंग लेवल के जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको डायग्नोस करने में बहुत मुश्किल आ रही है, उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक अच्छा सा स्कैनर लो, ये थिंकडेक 4.0, ठीक है, ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ आपको मिल जाएगा 1 साल अपडेट के साथ, ठीक है, इससे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अच्छा काम निकलना लगा, बहुत बढ़िया सा काम शुरुआत हो गई आपकी, इस फील्ड में आप आ गए तो आपको दूसरे स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, तब आप बढ़िया सा स्कैनर लो। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट यही करता हूँ, छोटे टूल से आप शुरुआत करो, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, कभी जो भी आपकी दिक्कत आती है हम उसको रिजोल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे हमारी जब जो भी हमारे से टूल लेते हैं, जो भी हमारे से सेगमेंट लेते हैं, उनको पूरा बढ़िया सा सपोर्ट देंगे और उनका पूरा ख्याल रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला अपना जो टूल है ये वाला हो गया थिंकडेक 4.0, 1 साल का अपडेट आएगा और आपका पूरा 1 साल अपडेट आएगा, जिस दिन से आप लेते हैं उस दिन से 1 साल पूरा अपडेट रहेगा, ठीक है, ये बहुत कम पैसों में आपको मिल जाएगा। और दूसरा, ये तो हो गई अपने मैकेनिक भाइयों से थोड़ा डायग्नोस्टिक लेवल में आने वाले भाइयों को, ठीक है, उनके लिए एक टूल है। और दूसरा सवाल ये था, हम डायग्नोस तो कर रहे हैं, ठीक है, हम डायग्नोस तो कर रहे हैं, हम ECM को रीड्रेट करने का काम हम सीखना चाहते हैं और हम एक अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं। कोई भी हम स्कैनर तो अपने पास है और कोई भी ECM हमारे पास आता है तो ECM बदली करते हैं, या कोई भी हम ECM का अंदर का डेटा रीड राइट करते हैं, तो ऐसी हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आपको टूल लेना चाहिए K10, ठीक है, ये थोड़े कम पैसों के अंदर आपको एक अच्छा टूल आ जाता है, एक केटेक रहता है, कम पैसों के अंदर एक अच्छा आपको टूल मिल जाएगा। कोई भी आप ECM, कोई भी नहीं, एक लिमिट, इसकी भी एक लिमिट रहती है, इसके अंदर जितने प्रोटोकॉल हैं उतने आप ECM को रीड एंड राइट कर सकते हैं, ठीक है। केटेक में आपको ECM खोल के काम करना रहता है, ठीक है, ये हो गया जो ECM का काम सीखना चाहते हैं, रीड राइट करने का सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वाला है, ठीक है, सबसे पहले K-Tag। और उनके पास और अच्छा काम निकलना चला, और अच्छा काम शुरुआत हो गई, आपकी बढ़िया सा काम चल रहा है, तो आप जाके नेक्स्ट आपका जो रहता है वो रहता है PCM ट्यूनर, या तो KTM 67-in-1 या तो PCM ट्यूनर, ठीक है, ये बिना ECM खोले आपका रीड एंड राइड हो जाता है और बेस्ट प्राइस में बेस्ट आपको सपोर्ट के साथ हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ये। और आपको और कम पैसों में बिना ECM खोले
ठीक है, बिना ईसीएम खोले आपका 3.7 ईसीएम हो गया है, और ऐसे काम करना है तो केस, ये केस है केस V2 बोल के, इसके अंदर आप बिना ईसीएम खोले रीड राइट कर सकते हैं, मगर इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, ठीक है। जैसे 16C 39 हो गया, 3.7 हो गया, और ऐसे 3.2 हो गया, 1.2 हो गया, ऐसे सब ईसीएम आप बिना ईसीएम खोले रीड राइट आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपनी ईसीएम की बात, ये केस हो गया, केटैग हो गया, और पीसीएम ट्यूनर हो गया, इनका मैं आपको बता दिया हूं। और एक सवाल ये था, जो हम काम कर रहे हैं इसके साथ मीटर का है, जो मीटर का काम है उसको भी हम घटाना या बढ़ाना, वो काम हम स्टार्टिंग लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए और एक टूल, उनके लिए एक टूल लेके आया हूँ, रेड यूपीए, ठीक है, इसे रेड यूपीए ही बोलते हैं, यूएसबी यूपीए यूएसबी 1.3 भी बोलते हैं, ये वाला है। इसके अंदर आप मीटर बढ़ाना और घटाना दोनों काम कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल तक इससे आप काम कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल तक आप कोई भी आपको 93C 46 हो गया, 93C 66 हो गया, कोई भी आप आईसी इसके अंदर इप्रोम लेवल का जितना भी काम है सारा इसका काम हो जाएगा। इप्रोम आईसी आप रीड कर सकते हैं, एयरबैग का भी काम कर सकते हैं इप्रोम लेवल तक, ठीक है, और आपका बीसीएम के अंदर इप्रोम है तो उसका डेटा निकाल के दूसरे बीसीएम में भी डाल सकते हैं, ठीक है, और मीटर का भी काम आप कर सकते हैं। ये हो गया रेड यूपीए, और चाबी, चाबी का भी अपने पास सेगमेंट है, ये वीवीडीआई मिनी की टूल है, ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी जो रिमोट होता है उसको जनरेट करके, आप जनरेट करके उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, नया आप ट्रांसपोंडर भी जनरेट कर सकते हैं, कॉपी एंड क्लोन भी कर सकते हैं इसके अंदर, और रिमोट की फ्रीक्वेंसी भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपका रिमोट अच्छा है या खराब है बोल के, इसकी मदद से आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी आप रिमोट इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। चाबी का काम जो करना चाहते हैं स्टार्टिंग लेवल पे, उनके लिए ये टूल बेस्ट है। ये तो अपना जो जिसके पास रेड यूपीए है उनको ये जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दो में से कोई एक लो, दो का काम भी आपका हो जाएगा लगभग। आप यूपीए लेते हैं तो ये मत लीजिए, ये लेते हैं तो यूपीए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये हो गया। और आपको एक अच्छे लेवल पे वायरिंग टेस्टिंग करने के लिए आपको दिक्कत आ रही है, सेंसर का रेफरेंस आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, और सेंसर का आउट सिग्नल आपको टेस्टिंग करना है, और अच्छे लेवल पे और टॉप लेवल पे आपको वायरिंग का काम अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आपको करना है, तो आपके लिए ये वायरिंग टेस्टर, ठीक है, इसके बारे में एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर क्या क्या काम होता है पूरा डिटेल से बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। ये बहुत ही अच्छा आज के टाइम में बहुत अच्छा फास्ट टूल है, सब मैकेनिक भाइयों के पास रहना चाहिए, एक अच्छे लेवल पे आप सेंसर का रेफरेंस वोल्टेज, और कहीं पे आपको 5 वोल्ट की रेफरेंस चाहिए तो इसके थ्रू आप दे सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और KT200, ठीक है, BS6 का आपको काम करना है, BS6 MD1 का जो ECU आता है, ठीक है, आपका 4 सिलेंडर हो या आपका 6 सिलेंडर हो या आपका 24 वोल्ट हो या आपका 12 वोल्ट हो, तो आप MD का जो बॉश का जो ECM आता है MD1 के नाम से बहुत जानते हैं, तो ये टूल से आप वो काम कर सकते हैं, DPF का काम हो गया वो सब आप इससे कर सकते हैं, और आपका मीटर का भी काम करना है तब भी आप MD1 की ECM की जो MD1 का जो ECM रहता है उसका जो डेटा रहता है वो रीड करके उसमें भी कुछ चेंजेस करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया अपना KT200, इससे आप MD1 का काम कर सकते हैं बॉश वाला। और एक चीज इसके अंदर मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, BS6 के अंदर MD1 के ECM के अंदर दो प्रकार के ECM आए हैं, एक SPC58 का MCU है वो अपना रीड राइट हो जाएगा, और एक आया ट्राइकोर का MCU, इसके अंदर रीड राइट नहीं होगा, BS6 की बात कर रहा हूँ, MD1 वाले की बात कर रहा हूँ, BS6 के अंदर बॉश वाला ECM ट्राइकोर का MCU लगा है तो रीड राइट नहीं होगा, SPC58 का MCU लगा है तो हो जाएगा आराम से, और इसके अंदर आप 1755 3 सेट और अपना होंडई का
17C08 हो गया, बहुत सारे इसके अंदर आप रीरेट कर सकते हैं, जो भी अपने से लेना चाहते हैं तो बेस्ट प्राइस में और बढ़िया सपोर्ट में आपको मिल जाएगा। कोई भी आपको इससे अच्छा नॉलेज, इससे अच्छी आपको जानकारी चाहिए तो अपने से रब्ता कर सकते हैं, आपको उसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना केटी। और एक टूल आपके साथ में लेके आया हूँ, ये अपना हो गया वीवीडीआई प्रोग। ठीक है, ये अपना हो गया वीवीडीआई प्रोग। इसके अंदर आप एयरबैग का काम हो जाएगा, एमसीयू को रीड कर लेगा, ईप्रोम को रीड करेगा, कोई भी आपको बीसीएम रीड करना है, क्रूज का बीसीएम रीड करना है, वो दिक्कत आती है, कहीं से आपको सेम पार्ट नंबर का नहीं मिलता है, क्योंकि वो कलर कोड से चलता है, पिंक हो गया, ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया, येलो हो गया, ऐसा कलर कोड के हिसाब से क्रूज के अंदर बीसीएम चलता है। तो आप कोई भी कलर का लेके आप आपके हिसाब से आप मॉडिफिकेशन करके काम कर सकते हैं। और हुंडई के अंदर आपका जो BSK3 BCM आता है पुश बटन का, उसको रीडायरेक्ट करना है तो इस टूल से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही है उसके अंदर, इससे आपका काम हो जाएगा। इसके अंदर भी आप ECU रीडायरेक्ट कर सकते हो, MCU रीडायरेक्ट कर सकते हो, EEPROM रीडायरेक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से ये काम हो जाएगा। छोटी छोटी आपको नॉलेज की बात बोल रहा हूँ, हालांकि बहुत जितने भी मैं टूल बताया हूँ आपको, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं छोटी छोटी बातों में आपको ये बता रहा हूँ। और किसी भी भाई को अपने से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो अपने पास मिल जाएगा, बेस्ट प्राइस में और बेस्ट क्वालिटी में और बेस्ट सपोर्ट में। ठीक है, कोई भी आपको चाहिए तो अपने से रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो है कर्नाटक मैसूर, मैसूर में कहीं पे दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपना सबर बस स्टैंड हो गया, सबर बस स्टैंड के पास पायलट सर्कल है, पायलट सर्कल से थोड़ा सामने आएंगे तो ही हमारा वर्कशॉप मिल जाए, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल के नाम से। बहुत दूर नहीं है, कहीं पे धड़लाना, कहीं पे दूर इधर घूमना उधर घूमना, कहीं पे नहीं है, नियर बाई बस स्टैंड पायलट सर्कल। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।